शांति पड़े लो खाली दिल लो बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नां दे उत्ते आमीन। साडे प्रभु येसु मसीह दा फजल खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। प्यारे भरा उत्ते पहनू आओ इन्हां पवित्र भेदां नूं योग ढंग दे नाल मनाउण दे लई असीं अपने गुनाहां नूं कबूल करिए सच्चे दिलों पछतावा करदे होए खुदा दे कोलों माफी मंगिए। कुदरत वाले खुदा ते पैणा प्रावान दे अगे मैं एक बाल करदा मैं एक बाल करदा
ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ, ਐ ਮਸੀਹਾ ਦਇਆ ਕਰ, ਐ ਮਸੀਹਾ ਦਇਆ ਕਰ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਦੀਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ, ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸਦਾ 13:1-11 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਰਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁਬੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਏ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਟਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਕਮੰਡ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਨਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ
घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना, भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्रभु तुहाडे नाल होवे, अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील संत मत्ती दे अनुसार। तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु। उसने उन्हां दे सामने एक होर तमसील ये कहंदे होए पेश कीती, स्वर्गराज राई दे बीज वांग है, जिसनू किसे आदमी ने अपने खेत विच बीज दिता, ये सारे बीजा नालों छोटा है, पर जदों ये वध जांदा है तां ये सब झाड़ियां नालों वड्डा हो जांदा है, अते एक रुख बन जांदा है, इत्थों तक कि आकाश दे पंछी आ के उस दियां टहनियां उत्ते आलणा पाउंदे हन। उसने उन्हां नूं एक होर तमसील सुनाई, स्वर्गराज उस खमीर वांग है, जिसनू किसे औरत ने लै के तीन माप आटे विच रला दिता, अते वेखो सारा आटा खमीरा हो गया। ये सारियां गल्लां यीशु ने लोकां नूं तमसीलां विच ही दसियां। असल विच बिना तमसीलां दे वो उन्हां नूं कुछ भी नहीं दसदे सन। ये इस लई होया कि नबी यशाया दे राही जो कहा गया सी वो वाक पूरा हो जावे, मैं तमसीलां विच अपना मुँह खोलांगा, जो संसार दे आरंभ तों गुप्त रखिया सी उसका ऐलान करांगा। प्रभु दी अंजील। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। मसीह विच प्यारे भराओ ते भैणो, अज असी पवित्र बाइबल दे विच्चों दो पाठ सुने हन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी दी पुस्तक उसका 13वां अध्याय 1 तों लैके 11 नूं असी सुनिया है। प्यारे जदों असी यिर्मयाह नबी दी पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ते हाँ तो उत्थे असी एक खास गल दे बारे सुनते हाँ। सारिया ने ध्यान दे नाल सुनना, यिर्मयाह नबी दी पुस्तक उसका 13वां अध्याय 9वीं आयत। प्रभु का वचन कहता है, मैं यहूदा दे घमंड दा नाश करांगा अते यरूशलम दा वड्डा हंकार तोड़ांगा। हुण इत्थे सवाल है कि कौन व्यक्ति है जो घमंड करदा है, ओह व्यक्ति जो खुदा दे वचन नूं पहल नहीं दिंदा है, उहदी आवाज़ नूं नहीं सुनदा है, ओह ही बंदा अपने आप दे उत्ते घमंड करना शुरू कर दिंदा है, अपनी ताकत दे उत्ते भरोसा करना शुरू कर दिंदा है। तो प्यारे जदों असी अगली आयत नूं सुनीए तो उत्थे लिखिया है, इन्हां दुष्ट लोकां ने मेरी आग्या मनन तो इनकार कीता है। देखो सानूं पता भी लग गया है कि क्यों प्रभु इत्थे कह रहा है कि मैं यहूदा दे घमंड नूं तोड़ांगा अते यरूशलम दे हंकार नूं नाश करांगा। कारण यह सी कि उन्होंने प्रभु की आवाज़ नूं सुनन तो इनकार कर दिता। जदों असी पवित्र बाइबल पढ़ीए तो सानूं पता लगता है कि किस तरह खुदा ने समय समय से अपनी बाणी नूं अपने वचन नूं अपने चुने हुए लोगों के जाहिर किया, किस तरह
खुदा की आवाज़ नू उन्होंने सुनन तो इनकार कर दिता। प्यारे जदों असी उत्पत की पुस्तक पढ़ीए तो उहदे विच असी देखते हाँ कि साढ़े पहले माँ बाप ने भी खुदा की आवाज़ नू पहल देण तो इनकार किया, जिस कारण वह पाप विच डिग गए अते उन्हां दा जीवन नाश हो गया। हुण करना की है असी, असी अपनी रोज़ाना जिंदगी दे विच खुदा की आवाज़ नू ही सुनना है, उहदे वचन दे उत्ते ही असी ध्यान करना है। कुछ दिन पहलां दी गल है कि साढ़े एक फादर जी काफ़ी बूटे लैके आए तो कुछ बूटे उन्होंने विच्चों काफ़ी महंगे भी सी। तो फादर जी ने जो बूटे लाए जा रहे सन तो बूटे लाने वाले उस लड़के नू माली नू आख्या कि इन्हां बूटियां दा ध्यान रखना है, देखना है कि इन्हां नू टाइम सिर पानी पाउणा है, किते ये बूटे सड़ ना जान, नाश ना हो जान। हाँ प्यारियो, अज दी अंजील दे विच प्रभु येसु मसीह सानू दसदे हन कि स्वर्ग दा राज राई दे दाने दे बराबर है। ते जदों ओ राई दा दाना जमीन दे विच बीजिया जांदा है तो एक छोटा जिहा बीज है, लेकिन जदों जदों ओ वड्डा हुंदा है तो वह रुख बन जाता है। प्यारियो, जिस तरह असी एक बीज दी जदों वो रुख बनता है तो उहदी किन्नी परवरिश करते हाँ, किन्ना ख्याल रखते हाँ। वो फादर जी ने उस माली नू आख्या कि इसका ध्यान रखना है, समय सिर पानी देना है, किन्ना असी ख्याल रखते हाँ। ठीक उस तरह ही प्रभु की बाणी भी साढ़े विच बीजी जाती है। जदों असी प्रभु का वचन सुनते हाँ असी उहदे उत्ते ध्यान देना है, देखना है कि किते ये बाणी जिहड़ी है वो साडे दिल दे विच्चों खत्म ना हो जावे। किन्ना ज़्यादा ध्यान देने की लोड़ है। अज दी अंजील दे विच जो तुसी 13वां अध्याय पढ़ोगे उहदे विच ये भी गल लिखी गई है कि कुछ बीज जदों बीजिया गया सी पंछियां ने आके खा लिया, कुछ बीज जंगली झाड़ियां दे द्वारा दबिया गया। कहण तो भाव है कि जो वचन है उसनों असी चंगी तरह सांभ के रखना है, कि साड़ियां दुनियावी चिंतावां, साडे कामकार, साडा व्यस्त जीवन सानू खुदा दे वचन तो दूर ना कर देवे। इस गल दा असी ध्यान रखना है। तो प्यारियो, अज असी एक होर आयत सुनांगे जिहदे विच खुदा दा वचन असी सुनांगे। यहोशुआ दी पुस्तक उसका पहला अध्याय उहदी 8वीं अते 9वीं आयत नूं असी ध्यान नाल सुणांगे। की करना है असी, प्रभु का वचन सानू बहुत ही ठोस शब्दों के विच यहोशुआ की पुस्तक के विच सानू संदेश दे रहा है। सानू की करना है सुणांगे, असी सारे ने ध्यान दे नाल सुनना है। व्यवस्था की पोथी की कोई भी गल तेरे मूँह तो दूर ना होवे। जेकर असी चाहते हाँ कि खुदा दियां बरकतां साडे जीवन विच बनिया रहन अते खुदा दा जो वचन है साडे जीवन दे विच 100 गुणा 60 गुणा 30 गुणा फल पैदा करे, तो फिर असी इस गल वल ध्यान रखना है कि व्यवस्था की पोथी की कोई भी गल तेरे मूँह तो दूर ना होवे, सगो तू इस दी हर गल ते दिन रात ध्यान करना है। किन्ना जोर दिता गया है खुदा दी बाणी दे उत्ते कि असी उहदे उत्ते दिन रात ध्यान करना है। अगे लिखिया है, तू अपना हर काम इस विच लिखे अनुसार करना तां तू हर तरह नाल उन्नति करेगा अते अपने हर काम विच पूर्ण सफल होवेगा। जदों असी कोई भी काम करते हाँ, कोई अपना कारोबार शुरू करते हाँ या अपने घर की इमारत का काम शुरू करते हाँ, असी की करते हाँ, उदों असी खुदा का नाम लेंदे हाँ। कोई भी काम होवे असी जदों खुदा दे वचन नू मुख रख के अपने काम की शुरुआत करांगे। वचन विच लिखिया है कि वो उन्नति करेगा अते उदा वो कारोबार भी सफल होवेगा। अजमा के देख लेना तुसी।
जो तुम वचन दे विच रह के अपना जीवन गुजारोगे हर काम विच सफलता मिलेगी। अगे लिखा है सो मेरा क्या याद रख तकड़ा हो अते हौसला कर ना ही किसे तरह का तू डर रख ते ना ही घबरा क्योंकि प्रभु तेरा परमेश्वर जिथे किते भी तू जावेगा तेरे नाल होवेगा। तुसी चाहुंदे हो कि प्रभु तुहाडे नाल रवे जिथे भी तुसी जाओ तुहाडे नाल नाल चले चाहुंदे हो? हर कोई चाहुंदा है कि प्रभु साडे नाल रहे साडा सहारा बने। लेकिन असी जिहड़ी पहली गल है उहनूं पूरा करन दे विच असफल हो जांदे हां। इस करके असी पहलियां गल्लां वल ध्यान रखिए कि प्रभु की जो बाणी है साढ़े बुल्लां तों कदी दूर ना होवे। असी उहदा जाप दिन रात करते रहिए ध्यान करते रहिए ते नाल ही नाल असी अज यह भी फैसला करिए कि असी जो खुदा की बाणी असी पढ़ते हैं उसनों दिल विच रखांगे ताकि उस बाणी नूं दुनियावी चिंतावां साडे कारोबार साडी व्यस्त जिंदगी खुदा दे वचन तों सानूं दूर ना करे ताकि असी 100 गुणा 60 गुणा 30 गुणा फल अपने परिवारां दे विच अपने समाज दे विच अते साडे पूरी दुनिया दे विच उहदा फल पैदा कर सकीए। प्यारे भाओ ते भैनों प्रार्थना करो कि मेरी अते तुहाडी ये कुरबानी पूरी कुदरत वाली खुदा बाप नूं कबूल होवे। प्रभु इन्हां नजरानियां नूं प्रवान कर जो तेरिया अनगिनत दातां विचों असी तेनूं चढ़ाउंदे हाँ। बख्श दे कि तेरी रूह नाल इन्हां पाक भेदां दे राहीं साडी जिंदगी नूं पवित्र करे अते अनंत खुशी वल साडी अगवाई करे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राहीं आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। तुसी अपने दिल प्रभु वल लगाओ असी अपने दिल प्रभु वल लगाउंदे हां। असी अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए ए सही अते योग है। ऐ प्रभु पवित्र बा पूरी कुदरत वाले ते काल खुदा ए सचमुच सही अते योग है मुक्ति पाउण दा राह है कि असी हर वेले ते हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दे राहीं तेरा धन्नवाद करिए। उस दे विच तू सारियां चीज़ां नूं नवां बनाया ते सानू
सारियां नूं उसदे खजानियां दे हिस्सेदार बना दिता है। उसने खुदा हो के भी अपना खुदाई स्वरूप ढक लिया अते सलीब उत्ते वहाई अपने लहू नाल दुनिया में शांति लियांदी। इसलिए वह सारी सृष्टि तो उच्चा किया गया अते उसकी सेवा करन वाले सारियां लई उसकी भी जीवन का सोमा बन गया। इसलिए असी अपनी खुशी विच फरिश्तियां दे संगीती जथियां नाल मिल के तेरी महिमा दे गीत गाउंदे होए ये ऐलान करते हाँ। खुदावन सदा पाक 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 खुदावन सदा खुदावन सदा लश्करांदा खुदा खुदावन सदा लश्करांदा खुदा जमीन आसमान तेरी बड़े आईया परे हन उच्चिया बिचों हौसला जमीन आसमान तेरी बड़े आईया परे हन उच्चिया बिचों हौसला 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 हुसना 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 पाक 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 खुदावन सदा पाक 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 खुदावन सदा खुदावन सदा लश्करांदा खुदा खुदावन सदा लश्करांदा खुदा जो हौसला ओ तन है खुदा बंदे ना दे उते जो आंदा है उच्चिया बिचो हौसला 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 पाक 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 खुदा बन सदा पाक 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 खुदावन सदा खुदावन सदा लश्करांदा खुदा खुदावन सदा लश्करांदा खुदा। हे प्रभु तू सचमुच पाक है अते सब पवित्रता दा सोमा है। इसलिए असी बेनती करते हाँ कि जिस तरह त्रेल पैंदी है उसी तरह तू अपने रूह पाक नूं भेज के इन्हां नजरानियां नूं पवित्र कर तां जो ये साडे लई साडे प्रभु येसु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे। उसने अपनी मर्जी दे नाल अपने आप नूं दुख तसीहां दे लई सौंपदे हुए रोटी लई धन्नवाद करदे हां। रोटी तोड़ी अपने चेलियां नूं दित्ती ये कहिंदे हुए तुसी सारे ये लो अते इस विच्चों खाओ क्यों जो ये मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुरबान कीता जावेगा। इसी तरह भोजन करन दे बाद उसने प्याला लिया एक बारी फिर तेरा धन्नवाद कीता प्याला अपने चेलियां नूं दिता ये कहिंदे हुए तुसी सारे लहू अते इस विच्चों पीओ क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है नवें अते सदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे अते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफ़ी लई वहाया जाएगा मेरी याद विच ये करिया करो। ईमान दा भेद
मसीहा मर गया है, मसीहा जी उठया है, मसीहा महिमा दे नाल फिर आवेगा। ए प्रभु, असी प्रभु येसु मसीह की मौत ते उसके जी उठन की यादगिरी नूं मनाउंदे होए तैनू जीवन की रोटी मुक्ति का प्याला चढ़ाउंदे हाँ। असी तेरा धन्नवाद करते हाँ क्यों जो तू सानू इस योग ठहराया कि असी तेरी हजूरी विच दाखिल हो के तेरी सेवा करिए। असी हलीमी नाल दुआ करते हाँ कि मसीह के बदन अते लहू विच हिस्सा लैण दे द्वारा असी रूह पाक दे राही एकता दे विच बचे रहीए। ऐ प्रभु, सारी धरती ते फैली अपनी कलिसिया नूं याद कर। इस नूं साडे संत पापा फ्रांसिस, साडे बिशप फ्रैंको ते अग्नेलो अते सारे प्रोहतां नाल प्यार दी संपूर्णता दे विच कायम रख। साडे भैण भरावां नूं वी याद कर जिहड़े जी उठण दी उम्मीद नाल सौं गए। उहनां सारिआं नूं जो तेरे रहम विच मर गए हन अपनी हजूरी दे चानण विच स्वागत कर। ऐ प्रभु, असीं बेनती करदे हाँ कि साडे सारिआं उत्ते वी दया कर तां जो धन कुआरी मरियम खुदा दी माँ दे नाल, उस कुआरी दे मुबारक वर संत यूसुफ नाल, धन रसूलां नाल, संतां नाल जिन्हां ने सारे युगां विच तैनूं खुश कीता है, सदीवी जीवन दे वारस होण दे हकदार बन जावांगे अते तेरे बेटे यीशु मसीह दे राहीं तेरी वडियाई अते उस्तत करांगे। उस दे राहीं अते उस दे नाल अते उस दे विच ऐ खुदा पूरी कुदरत वाले बाप, रूह पाक दी एकता दे विच सब जलाल अते वडियाई तेरी ही है सदा तो सदा तीक। आमीन। आओ हुण असीं सारे मिल के प्रार्थना करिए जिस तरह साडे मुक्तिदाता प्रभु येसु ने सानू सिखाया है। ऐ साडे बाप जिहड़ा तू आसमान उत्ते है, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान उत्ते पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी होवे, साडे रोज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूर वारां नूं माफ करदे हां, सानू अजमायश विच ना पा सगों बुराई तों बचा। ऐ प्रभु, असीं प्रार्थना करदे हां सब बुराइयां तों सानू बचा, अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो तेरी दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाहां तों मुक्त रहीए, हर मुसीबत तों सुरक्षित रहीए, जिवें मुबारक उम्मीद रखदे होए असीं यीशु मसीह साडे मुक्ति दाते दे आउण दी उड़ीक करदे हां। क्यों जो राज कुदरत ते जलाल युग युग तेरा ही है। ऐ प्रभु यीशु मसीह, तू अपने रसूलां नूं आख्या मैं तुहानू शांति देंदा हाँ, अपनी शांति मैं तुहानू प्रदान करदा हाँ, तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख अते इस नूं अपनी मर्जी मुताबक शांति अते एकता प्रदान कर। तू जो जीवंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीकर। आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। आओ असीं इक दूजे नूं शांति दा सलाम देईए। खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है, ऐले ले खुदा दे, ऐले ले खुदा दे साडे उते दया करो, ऐले ले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है, ऐले ले खुदा दे, ऐले ले खुदा दे साडे उते दया करो, ऐले ले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है, ले ले खुदा दे सानू शांति प्रदान करो।
वेखो खुदा दा लीला, इनू वेखो जो दुनिया के गुनाहों नू चुक लै जांदा है। धन हन ओ जो इस लीले दे भोज दे लई सदे गए हन। ऐ प्रभु मैं इस योग्य नहीं हाँ कि तू मेरी छत थले आवे, पर एक ही शब्द आख अते मेरी रूह चंगी हो जावेगी। मसीह दा बदन अते लहू सानू सदीवी जीवन दे लई संभाली रखे। दुआ पाक शागत लैण तो पहला, ऐ मुबारक मरियम, तेरा प्यारा बेटा रोटी दे रूप विच साडे दिला विच आउण वाला है, सानू बरकत दे तां कि असी वी तेरे वांगू उस नू मनीए अते प्यार करिए। ऐ संत यूसुफ, जिस तरह तू मसीह नू पालिया उसे तरह सानू भी उस दी सेवा करनी सिखा। आमेन। बस तू ओ कंडिया दे ताज वाले, मेरे मन बिच बस तू ओ कंडिया दे ताज वाले। जग तो लेके छड़िया गया मैं छज बिच पाके, जावांगा की जग तो लेके छड़िया गया मैं छज बिच पाके, छड़िया गया मैं छज बिच पाके। बिच में देखिया तेनू रंग छड़ियो से रंग बिच मैनू, जिस रंग बिच में देखिया तेनू रंग छड़ियो से रंग बिच मैनू, रंग छड़ियो से रंग बिच मैनू, रंग छन मन तू ओ कंडिया दे ताज वालिया, मेरे मन बिच आवस तू ओ कंडिया दे ताज वालिया, मेरे मन बिच आवस तू ओ कंडिया दे ताज वालिया। दुआ पाक शागत लैण तो पिछों, ए इलाही येसु जिहड़ा सचमुच मेरे दिल विच आया है, मैं सारियां फरिश्तियां अते पाक लोकां नाल तैनू सिजदा करदी हाँ। तू मेरा खालिक अते मालिक है, तेरी बजुर्गी वड्याई अते बंदगी सदा तीकर अते सारी जमीन दे कंडियां तीकर कीती जावे। ए मेहरबानी येसु, मैं तेरियां रहमतां दे बदले तैनू की देवां, मैं कख अते मिट्टी किस तरह तेरा शुक्र करां, मैं तेरियां रहमतां दे गीत सदा गावांगी। मैं अपना बदन अते रूह ख्यालां अते दलीलां गल्लां अते कम्मां खुशियां अते दुखां नाले जिंदगी अते मौत नूं तेरी नज़र करदी हाँ। मेरे बदन नूं लै लै इहदे विच वस अते इहनूं सब गुनाही शैवत तों साफ रख,
मेरी मर्जी नू लै लै अते इनू अपनी मर्जी उत्ते चला, मेरी याद नू लै लै अते इहदे विच रिहा कर तां जो मैं तैनू कदे ना भुल्लां, मेरी अकल नू लै लै इनू वधा तां जो मैं तैनू वधीक जाणा अते प्यार करां, मैनू सारे नू लै लै तां जो मैं सब कुछ तेरे प्यार वास्ते करिया करांगी, आमीन। असी प्रार्थना करिए। हे खुदा साढ़े बाप, पाकि उकरीस दा ये भेद जो तेरे बेटे दी सलीबी दुख तसीहां दी यादगिरी है, जिस विच हिस्सा लैण दी बरकत तू सानू दित्ती है, बख्श दे कि उस दे असीम प्यार दी ये दात साड़ी सदीवी नजात लई फायदेमंद होवे, साड़े प्रभु यीशु मसीह दे राहीं, आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। पूरी कुदरत वाला खुदा बाप अते बेटा अते रूह पाक तुहानू सारिआं नूं बरकत देवे, आमीन। कुर्बानी चढ़ाई जा चुकी है, प्रभु दी शांति विच जाओ, खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर, याद कर ऐ निहायत मेहरबान कुआरी मरियम, पहले कदी नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदिआं तेरी मदद चाहुंदिआं तेरी सिफारिश मंगदिआं तेथों खाली गया होवे। ऐ कुआरी कुआरियां दी अते मेरी माँ, इस तसली नाल मैं तेरे कोल नस के आउंदा हाँ अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदा हाँ। ऐ दे तारी होए कलाम दी माँ, तू मेरी अर्जन हकीर ना जा, सगों मेहरबानी नाल सुनी अते कबूल करी, आमीन। शांति दी रानी कुआरी माँ मरियम साडे लई दुआ कर। मरियम है साड़ी माँ नेक प्यारी माँ, अरश फरश ते मुबारक ओदा नाम। मरियम है साड़ी माँ नेक प्यारी माँ, अरश फरश ते मुबारक ओदा नाम। साड़ियाँ जरूरतां च होइयो मददगारे, साड़ियाँ जरूरतां च होइयो मददगारे, रल मिल गुणे ओदे गाइए सुबह शाम, रल मिल गुणे ओदे गाइए सुबह शाम। मरियम है साड़ी माँ एक प्यारी माँ, अरश फरश ते मुबारक ओदा नाम। मरियम है साड़ी माँ एक प्यारी माँ, अरश फरश ते मुबारक ओदा नाम।